नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाइड क्लासेस में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं सकारात्मक उदारवाद के बारे में। उदारवाद की जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं, उदारवाद ने अपना रूप भी बदला है। उदारवाद पूंजीवाद की संरक्षण के लिए आया था, संपत्ति की रक्षा के लिए आया था। उदारवाद आने का मुख्य कारण था, तो उसके लिए अपने को उस समय की परिस्थितियों को जानना होगा। उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि चर्च की सत्ता का विघटन हो रहा था, पोप की सत्ता धराशायी हो रही थी, निरंकुश शासकों का अंत हो रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, जब नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों को स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, लोकतंत्र चाहते थे वे किसी निरंकुश शासक सत्ता के अधीन रह करके काम नहीं करना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में परिस्थितियाँ बदली और लोग जैसे उदारवाद, जिसे उदारवाद का जनक कहा जाता है, उसने भी पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये आलोचना है, आपको कहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना है, केवल समझने के लिए है कि लोक संपत्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तीन अधिकारों की मांग करता है, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। यानी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यानी व्यक्ति उदारवाद के मूल में है। उदारवाद ने समय समय पर अपने रूप बदले हैं। उदारवाद के तीन प्रकार में अपन विभाजित कर सकते हैं, एक परंपरागत उदारवाद, दूसरा आधुनिक उदारवाद और तीसरा है समकालीन उदारवाद। जो पारंपरिक क्लासिकल लिबरलिज्म है, पारंपरिक उदारवाद है, वो अपने जो नकारात्मक उदारवाद पिछले वीडियो में पढ़ा है मैंने, वो नकारात्मक उदारवाद है, वो परंपरागत उदारवाद था। अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मजदूरों का शोषण होने लगा कंपनियों में। तो जब मजदूरों का शोषण होने लगा, मजदूरों ने मांग उठानी चालू की अपने अधिकारों के प्रति, तो उनके लिए नए नए लेबर लॉज, श्रम कानून बनाए जाने लगे। इसी समय मार्क्स भी आ जाता है, तो इस एक प्रेशर रहता है सरकारों के ऊपर और एक उदारवाद निकल करके आता है। यानी जो उदारवाद अब तक केवल सुरक्षात्मक कार्य देने की बात करता है कि राज्य एक व्यक्ति के हित के लिए ही काम करेगा, लेसेज फेयर का सिद्धांत रहता है नकारात्मक उदारवाद में, जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ने की बात करता है, राज्य केवल सुरक्षात्मक कार्य करेगा, वो उदारवाद अब कल्याणकारी राज्य बन जाता है। ये उदारवाद अब राज्य को और भी कार्य सौंपना चाहता है। ये उदारवाद ये चाहता है कि राज्य सुरक्षा के साथ साथ सुधारात्मक कार्य भी करें, मजदूरों के हित के लिए भी कार्य करें। यह है सुधारात्मक उदारवाद, जिसे सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। इसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अपन सकारात्मक उदारवाद में। आप समझ चुके होंगे कि सकारात्मक उदारवाद क्यों आया। मेन रीज़न ये था कि उद्योगों में श्रमिकों का शोषण होने लगा था, वे अपनी मांग उठाने लगे थे, लेकिन अभी भी इसके मूल में व्यक्ति है, इसके मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है। लास्की कहता है, उदारवाद का जन्म मध्य युग के बाद आर्थिक संगठनों को बनाए रखने के लिए हुआ। बिल्कुल सही बात, नकारात्मक उदारवाद की प्रकृति को ये परिवर्तित नहीं करता है, नकारात्मक उदारवाद की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करता है। कौन सी प्रकृति को, जिसके मूल में अभी भी व्यक्ति है। मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि उदारवाद अपना रूप बदलता रहता है। वर्तमान में स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद का दौर चल रहा है 1970 के बाद, लेकिन फिर भी इसके मूल में आज भी व्यक्ति है, आज भी संपत्ति की रक्षा करना चाहता है और आज भी ये जो लोग उदारवाद का जिसे जनक कहा जाता है, उसके जो तीन अधिकार हैं, उनकी मांग आज भी इसके मूल में है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट लगा के लिखी हैं। उदारवाद के मूल में पहले भी व्यक्ति था और आज भी व्यक्ति है। अंतर इतना है कि नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के हित को महत्वपूर्ण मानता था और सकारात्मक उदारवाद समूह के हित को महत्वपूर्ण मानता है। यानी सबका कल्याण चाहता है, समूह के हित को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि लोकतंत्र आ चुका है। सकारात्मक उदारवाद इसलिए आया कि पूंजीवाद की पराकाष्ठा आ गई, इसलिए इसलिए सकारात्मक उदारवाद आया। श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, समाज में असमानता हो चुकी है, इसलिए गरीब, मजदूर और श्रमिक कल्याण की बातें उठाई गई। अब जब इनका पक्ष लिया गया, कंपनियों में काम करने के लिए मजदूर जाने से मना करने लगे, तब परिस्थितियां बदली। और अब क्या होता है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1850 के बाद, 1850 के बाद में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये विचारधारा स्थापित हो गई। इसके अंतर्गत समाज कल्याण निहित हो गया। ये वही दौर है जब मार्क्स भी
ये कहता है कि इस दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स का सिद्धांत आ चुका है, जगह जगह पर मजदूर हड़तालें करने लगे हैं, जैसे अपने 1970 का दौर था, वो सिचुएशंस इस समय क्रिएट हो रही है दुनिया के अंदर। कंपनियों जब विरोध कर रहे हैं और फैक्ट्रियां खुल नहीं रही हैं, तो ये उदारवाद आता है, और कंपनियां भी ये चाहती हैं, यानी पूंजीपति भी ये चाहते हैं कि राज्य कोई सुधारात्मक कार्य करे। अब क्या सुधारात्मक कार्य करता है? तो राज्य सुरक्षात्मक ही नहीं, सुधारात्मक कार्य भी अपनाएगा। संघ समुदाय में समन्वय स्थापित करेगा। समुदाय की बात आ गई, अब व्यक्ति के हित के साथ साथ में समुदाय का हित भी महत्वपूर्ण हो चुका है। स्वतंत्रता की व्यवस्था ही नहीं करे, बल्कि उन्हें निर्देशित भी करे, यानी स्वतंत्रता की गारंटी भी दी जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, यातायात, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे सुधारात्मक कार्य भी करेगा, यानी विकासात्मक कार्य होने लग गए, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य होने लगे। राज्य बाधाओं के लिए बाधा बनेगा, ग्रीन की कोटेशन याद रखना, क्वेश्चन आता है कि राज्य बाधाओं के लिए बाधा बनेगा। एक श्रमिक की बाधा क्या है? कि उसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण मिले, उसका उसको बीमा मिले। अगर फैक्ट्री में कुछ उसको डैमेज हो जाता है, कोई अंग भंग हो जाता है, तो उसको उसके लिए बीमा मिलना चाहिए। तो ग्रीन कहता है कि ये बाधा है उस श्रमिक में, तो इस बाधा के लिए राज्य बाधा बने, तो बाधाओं के लिए बाधा बने। व्यक्ति की स्वतंत्रता को समानता के साथ विनियोजित करेगा। ऐसा क्यों? अब तक केवल स्वतंत्रता की बात थी, देखिए आप व्यक्तिवाद में, लेसेज फेयर में, जिसमें नकारात्मक उदारवाद में केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे समानता, समानता की बात जॉन लॉक नहीं करता है, लेकिन समानता की बात यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि मार्क्स आ चुका था, और कार्ल मार्क्स स्वतंत्रता से ज़्यादा समानता पर बल देता है कि सबको समान किया जाए, इन पूंजीपतियों ने शोषण कर लिया मजदूर, तो समानता के साथ विनियोजित किया जाने लगा। असमानता को दूर करने के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए, मतलब कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो दे दी गई, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता कब रहेगी? जब उसके ऊपर कुछ युक्तियुक्त तर्कसंगत प्रतिबंध होंगे, तो तर्कसंगत प्रतिबंध लगाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करेगा, और सबकी विजय का आधार तैयार करेगा, यानी सामूहिक हित हो गया। अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य द्वारा वैधानिकता लिए हुए होंगे, यानी जॉन लॉक की आलोचना कर दो, या जॉन लॉक के पॉइंट को पकड़ करके भी आप इसके आंसर्स कर सकते हो। वही प्राकृतिक अधिकार की बात करता है जॉन लॉक, और यहाँ पर प्राकृतिक अधिकारों की जगह कानूनी अधिकार होंगे। ये राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि नकारात्मक उदारवादी राज्य को सामाजिक समझौते का सिद्धांत मानते हैं। सकारात्मक उदारवाद राज्य को सकारात्मक अच्छाई बताते हुए उसे लोक कल्याणकारी सुधारात्मक कार्य देता है। ऐसी स्थिति में वह मार्क्सवादी विचारधारा के नज़दीक पहुंच जाता है। आ चुका है इसमें मार्क्स। मार्क्स को अपनाना जरूरी हो गया था, और पूंजीवाद को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। कोई भी राज्य पूंजीवाद को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मार्क्स को अपनाना उनके लिए जरूरी हो गया था। तो मार्क्सवादी विचारधारा के नज़दीक पहुँच जाता है उदारवाद। कौन से पॉइंट पर? राज्य को सकारात्मक अच्छाई बताते हुए समूह के कल्याण को स्थापित कर देता है। मार्क्स भी तो समूह के कल्याण की बात करता है, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, सबका कल्याण होगा, सबको समानता मिलेगी। फिर भी इसके मूल में क्या है? व्यक्ति है। भले ही ये समुदाय समुदाय की बात कर रहा है, लेकिन मूल में अभी भी क्या है? व्यक्ति हित छिपा है, इसलिए वह सकारात्मक उदारवाद की ओट में पूंजीवाद की रक्षा कर जाता है। यह है उदारवाद। अब देखिए, अपन उदारवाद को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी उदारवाद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उदारवाद तीन भागों में बांटा गया है। परंपरागत उदारवाद, जिसे क्लासिकल उदारवाद कहते हैं, फिर आएगा मॉडर्न उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म, और फिर है समकालीन, कंटेम्प्रेरी। अब जो अपन ने क्लासिकल परंपरागत उदारवाद देखा है, ये नकारात्मक उदारवाद है। इसको आप लेसेज फेयर भी बोल सकते हो, और व्यक्तिवाद भी बोल सकते हो। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, आधुनिक उदारवाद है, वो जो अपन ने पॉजिटिव उदारवाद देखा है, सकारात्मक उदारवाद देखा है, ये है आधुनिक उदारवाद। लेकिन समकालीन उदारवाद दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग तो अपन बांटेंगे स्वेच्छातंत्रवाद में, स्वेच्छातंत्रवाद, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। तो स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्वेच्छातंत्रवाद, और स्वेच्छातंत्रवादी क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको बताऊं कि आधुनिक युग में है
आधुनिक समकालीन का मतलब है 1970 के बाद में जो राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के तहत नए नए विचारक नए नए सिद्धांत आए हैं वे समकालीन कहे जाते हैं। तो नोजिक, बर्लिन, हेयक, फ्रिडमैन, सुम्पिटर ये ऐसे विचारक हैं जो वापस इधर जाना चाहते हैं, किधर, नेगेटिव लिबरलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। ये वापस कला जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, परंपरागत उदारवाद है, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। यानी वर्तमान युग में होते हुए भी ये इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया जाए उसको, यानी ये तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपंग है तो उसको भी छोड़ दिया जाए, यदि उसमें योग्यता होगी तो वो खुद ही अपना विकास कर लेगा, वंचितों का विकास नहीं किया जाए। जबकि दूसरी तरफ जॉन रोल्स का समतावाद आता है, समतावाद एक सिद्धांत आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आगे लाया जाए, वंचित वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाए। यानी ये प्रमुखता देता है स्वतंत्रता को और ये प्रमुखता देता है समानता को। तो समतावाद की को डिटेल में मैंने बताया है न्याय वाले वीडियो में, देखना आप न्याय के वीडियो में इस समतावाद को डिटेल में बताया है, और स्वेच्छातंत्रवाद को बताया स्वतंत्रता वाले वीडियो में, क्योंकि जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वो स्वतंत्रता की बात करते हैं और जो समतावादी हैं ये बात करते हैं समानता की। तो और भी मैं डिटेल में आगे भी बताता रहूँगा, लेकिन एक बार ये दो वीडियोज आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स।